गेस्ट हाउस पणजी। अभी हम पणजी में हैं जो गोवा की राजधानी है, कैपिटल भी है। यहाँ पर हैं हम। ये सारी मार्केट है, ज्वेलरी, बैग्स, मोबाइल्स, ट्रेवल्स। और इधर सारी सारी मार्केट है ये गोवा की। इधर का पूरा ऑफिशियल एरिया है, जो ऑफिसेज वगैरह हैं, होटल्स वगैरह हैं। ये मात्र छाया का बना हुआ है। यहाँ पे आप बेबी फीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये हिंदू फार्मेसी पणजी गोवा का हर ऑफिस लग रहा है मुझे। लगता है कोऑर्डिनेटर भाई आज चला चला के थकाएंगे। इतनी दूर तो चला दिया, यहीं पे करके। खाना खाने के बाद हम ओल्ड चर्च पे जाएंगे। आपने देखा होगा सिंघम मूवी, सिम्बा मूवी, सभी की शूटिंग इस चर्च में हुई है। मैं आत्माराम बोरकर रोड है, ये चौक है, एक्चुअली चौराया है यहाँ का पणजी का। डोमिनोज पिज़्ज़ा के बगल में हमारी तरफ है। हम चलते जा रहे हैं, बट हमारा रेस्टोरेंट नहीं आ रहा है। आधा 1.5 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, अभी तक रेस्टोरेंट हमारा आया नहीं है। चल रहे हैं, देखते हैं कब तक आता हमारा रेस्टोरेंट। फाइनली हमारा रेस्टोरेंट आ गया, नंदन प्योर वेज रेस्टोरेंट होटल राजधानी। तो यहाँ पे हम करेंगे लंच। ये इनका सर्विस रोड है इधर का। चलते हैं इधर, देखते हैं व्हाट इज इनसाइड। द पीपल ऑलरेडी सीटेड ओवर हियर।
सामने चर्च पे चलेंगे, उसके बाद कहाँ जाना हमने? मीरा मार्केट पर जाओ, पर जाओ मीरा मार्केट। इधर आओ अंकल, इधर आओ, इधर आओ, वहाँ कहाँ कोने में जा रहे हो? और क्या है यहाँ पे? और बैठो बैठो, इधर बैठो। बैठने की बढ़िया जगह, एक नंबर की जगह। ये वाला स्टाफ हमारा ग्रुप है, अंकल जी हमारे साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये यहाँ का मेन्यू है होटल का, देख पा रहे हैं काफ़ी हैवी है, काफ़ी महंगा है। रोटी आप देख रहे हैं, दिल्ली में दिल्ली जैसा सस्ता और कहीं भी नहीं है। महाराष्ट्र गोवा खाने पीने के मामले में बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव है। आप देख रहे हैं, आप देखेंगे एक्सपेंसिव है, बट खाना पड़ेगा। जो देखते हैं टेस्ट कैसा है, बताते हैं आपको। अभी आएगा खाना, अभी आया नहीं। सारे लोग कर रहे हैं वेट खाने का। आप पढ़ा गए हैं, बाकी देखते हैं कब तक आता है, काफ़ी टाइम हो गया। दोस्तों ये खाना आ गया है, और बिरयानी आ रही है, बिरयानी आई है, बिरयानी आ रही है। रायता है, दाल है, कोल्ड कॉफ़ी, बटर रोटी, सलाद, पापड़, और ये आ गई है दोस्तों बिरयानी। तो अब हम लोग खाते हैं, खाने के बाद में आपसे अपडेट मिलते हैं। खाना खा के फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं जो यहाँ का फेमस चर्च है, जहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग वगैरह भी होती है। तो अभी हमने जस्ट खाना खाया है और अभी हम निकले हैं, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। बड़ा फेमस है, और ये जो चौक था जिससे अभी हम गए थे, तो उससे हम सीधा जाएंगे इधर की साइड में, तो ये इधर आगे जाके है। ये पंजिम का मार्केट है पूरा, जो कि आप देख पा रहे हैं। पंजिम का ये पूरा मार्केट है, पुरानी बिल्डिंगें हैं ये पूरी, जो मार्केट में तब्दील हो गई है। चलिए, घर हुआ करते थे पंजिम में, यहाँ पे ब्रांडेड आइटम क्या कहें तो कॉफ़ी सस्ती मिल जाता। देखिए तो ये है वो फेमस चर्च, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। देखेंगे आप, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। ये एक सेल्फी पॉइंट है यहाँ का, ये एक सेल्फी पॉइंट है यहाँ के, इस पूरे एरिया का फेमस सेल्फी पॉइंट। Mm-hmm.
काफ़ी बढ़िया शानदार जो नज़ारा, और ये यहाँ का जो मेन रोड है पंजिम का मेन रोड है, अद्भुत। काफ़ी फॉरेनर भी हैं, इंडियंस तो खैर हैं ही, फॉरेनर भी काफ़ी हैं यहाँ पे। जा रहे हैं ऊपर की साइड, चर्च है यहाँ पे, प्रार्थनाएं करते हैं सारे, और अप्रो नो बुक्स। यहाँ पे लोग कैंडल जलाते हैं और जीसस को याद करते हैं लोग। ऊपर इसकी एंट्री इधर से नहीं है, इधर से इन्होंने बंद कर रखा है। पीछे से जाएंगे ना बैक साइड से तो उधर से एंट्री है शायद इसकी, एंट्री है ही नहीं, यहीं तक है एंड है ये। क्यों अंदर है तो सही यार इतना कुछ, हाँ तो बंद कर रखा होगा ना, बंद कर रखा हुआ इन्होंने। यहाँ पे लोग प्रार्थनाएं करते हैं। काफी बड़ा और काफी पुराना ये चर्च। इमैक्यूलेट कॉन्सेप्शन इस चर्च का नाम है, और ये काफी पुराना और मतलब यहाँ की जो आर्कियोलॉजिकली देखा जाए तो काफ़ी पुराना चर्च है ये। अभी इसको फ़िलहाल बंद कर रखा है इन्होंने। आपको जो भी प्रार्थना वगैरह करनी हो आप बाहर से ही कर सकते हैं, अंदर जाना अलाउड अभी नहीं है, बंद कर रखा है इन्होंने। तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ का एटमॉस्फेयर, और एक काफ़ी फेमस जगह है यहाँ की। तो यहाँ का सफ़र हम ख़त्म करते हैं, बाकी अब शाम का प्लान होगा। दोपहर के 4 बज रहे हैं, शाम का प्लान जो भी होगा वो हमें बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ से अब हम चलते हैं, आगे के अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।